भाई आज भी मजबूत है। हम उस देश के नागरिक हैं जो चाइना को दूर भगा देंगे और हम पाकिस्तान को लक्ष्य से ना मिटा सकते हम। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। पूर्व सैनिकों की मांगों के समर्थन में समाज सेवी बच्चू सिंह यादव जी आ गए हैं और उन्होंने पूरी जोश में है और कह रहे हैं कि सरकार को इनकी मांग सुननी पड़ेगी। बच्चू सिंह जी, आपकी उम्र इतनी है, डंडे के सहारे चलते हैं और आज सैनिकों के साथ खड़े हो गए, क्यों आए हैं? मैं आया हूँ, मैं भी भारतीय सेना के एक सिपाही का बेटा हूँ और मेरे अंदर भी भारतीय सेना के सिपाहियों का खून मेरे अंदर दौड़ रहा है नस नस में। और ये जो सरकार कर रही है दोगले काम, वैसे तो हमारे देश का जो रक्षक है सिपाही सबसे बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसने इस देश को उस कतार पे लाके खड़ा करा है जो हमारे सिपाहियों के पास हर हथियार आधुनिक हथियार इकट्ठे कर दिए हैं। मैं यही कहूँगा कि हमारे सैनिकों के साथ दोगला व्यवहार न हो। पूर्व सैनिकों की पेंशन की बात हो रही है, अधिकारियों को जो पूर्व अधिकारी हैं उनको तो ज़्यादा दिया सरकार ने, लेकिन सैनिकों के जेसीओ जवानों के साथ अन्याय कर दिया, क्या कहेंगे उस पर? उसके लिए मैं यही कहूँगा कि दोगला काम नहीं होना चाहिए, सबको एक समान। हम जो है भारत के जवान हैं और हम भारत के लिए, अपने देश के लिए, हमारे देश के सैनिक अपने बच्चों को छोड़कर सीमा पर पड़े हैं और उनके साथ दोगला व्यवहार मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। मैं अपने देश के उस भारत के उस सबसे बड़े सिपाही को नरेंद्र मोदी को चैलेंज करता हूं कि या तो इन हमारे देश के जो सिपाही रिटायर्ड है, मेरा भी उनके अंदर खून, उनके खून का खून मेरे अंदर दौड़ रहा है और उनके साथ ऐसा दोगलापन किया गया है जो बिल्कुल गलत किया है। और हमारा देश का सिपाही आज भी मजबूत है, हम उस देश के नागरिक हैं जो चाइना को दूर भगा देंगे और हम पाकिस्तान को लक्ष्य से ना मिटा सकते हम। और मेरे अंदर इन लोगों का खून अभी भी दौड़ रहा है क्योंकि मेरे पिताजी भी उस समय अंग्रेजों के टाइम के सिपाही थे। मैं लगातार ये बात हो रही है, ये पूछा जा रहा है कि सैनिकों के साथ ये व्यवहार क्यों किया जा रहा है, जो जवान हैं, जो सैनिक हैं उनको ORP वन रैंक वन पेंशन के अंदर बहुत कम बढ़ोतरी दी पेंशन में और कम भी कर दी गई, लेकिन वहीं कुछ अफसरों ने मनमाने तरीके से अपनी पेंशनें बढ़वा ली, उस पर क्या कहेंगे? ये तो अधिकारी लोग जो है ना हमेशा अपना अपना जो है अपना अपना चाहते हैं। नीचे वाले को जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, वो काम इन्होंने किया है, ये सरासर गलत किया है। और मैं यही कहूँगा कि हमारे सैनिकों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। लगातार ये मांग उठ रही है कि सैनिकों के समर्थन में समाज सेवी भी आ रहे हैं, संस्थाएं भी आ रही हैं, लेकिन ये कह दिया जाता है कि ये तो भाई हम इतना देते हैं देश पे बोझ हो जाता है। जब जान देने की बात आई, दो दो युद्ध लड़े 1962 का, 1971 का, उसके बाद कारगिल के भी कुछ हैं जवान, जब पेंशन देने की बारी आई तो बोझ हो गए, जब सरहद पर लड़ने की बारी थी तो पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। ये ऐसा है, हमारी जो हमारे जो नौजवान हैं ये जब इनकी बारी आती है इनको खाने की, तो इनके खाने को छीन लिया जाता है। वो चीज़ जो खाना दिया जाता है वो कोई खाना नहीं है, इनके साथ दुर्व्यवहार है और ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। आप सिविलियन हैं, एक आम नागरिक हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से समर्थन करेंगे और सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप मोदी जी के बहुत बड़े फैन हैं, मैंने सुना अक्सर मोदी जी की तारीफ करते हैं आप, तो क्या मोदी जी को कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मोदी जी से इतना विश्वास है कि हमारे देश के सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार बिल्कुल नहीं सहन करेंगे वो। और मैं इस समर्थन में हूँ कि हमारे देश के सैनिकों के साथ कोई ऐसा दुर्भाव व्यवहार करता है वो मानव नहीं है, वो मानवता से गिरा हुआ राक्षस है।
और जो अफसर इस तरह का करता है अपने साथ अपने नीचे वाले के साथ, वो अफसर नहीं है, वो है दानव, खाना चाहता है सबको अकेला, ना के हमारे सिपाहियों की सोचता है, हमारे जवानों की सोचता है, वो अपने अपने लिए कर रहा है। वो ऐसे अफसर अफसर नहीं है, वो हमारे देश के लिए, हमारे जवानों के लिए वो एक भक्सर है। बहुत बहुत शुक्रिया।